वायु पुराण के 45वें अध्याय में भुवन विन्यास में शंशपायन बोले, हे महाराज, आपने पूर्व और पश्चिम दिशा के दो देशों का वर्णन किया, अब उत्तर तथा दक्षिण दिशा के देशों का और वहां के पर्वतों पर रहने वाले लोगों का क्रमशः पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले, श्वेत पर्वत के दक्षिण और नील पर्वत के उत्तर रमनक नामक एक देश है। वहां जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे सभी अनुकूल काम फल का उपभोग करते हैं। वे बूढ़े नहीं होते, ना तो उनके शरीर से दुर्गंध निकलती है, उनका परिवार भी विशुद्ध होता और वे स्वयं सुंदर होते हैं। वे रोहिण नामक एक महान और दिव्य वट वृक्ष है, जिसके फलों के रस को पीकर वहां के निवासी जीवन धारण करते हैं। वे मां भाग्यशाली नर शरीर सदा प्रसन्न रहते हैं और 10,105 वर्ष की आयु के होते हैं। शीताचल के उत्तर श्रृंगाचल के दक्षिण हिरण्यवत नामक एक देश है, जहाँ हिरण्यवती नदी बहती है। वहाँ के लोग महाबली तेजस्वी जीवक के धनी स्वरूप और सभी ऋतुओं में समान काम फल का उपभोग करने वाले हैं। यहाँ के प्राकर्मी लोग 11,105 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। उस देश में 6 रसों से युक्त बड़हड़ का एक महान वृक्ष है। वहां के मानव उसी के फल के रस को पीकर जीते हैं। वहां श्रृंगवान गिरी के 3 बड़े और ऊंचे श्रृंग हैं, जिनमें एक मणि का है, दूसरा सोने का है और तीसरा भांति भांति के रत्नों से भरा है। उन पर महल भी बने हुए हैं। उत्तर समुद्र के अंत में दक्षिण ओर सिद्धों से सेवित पुण्यशाली कुरुवर्ष है। वहां के वृक्षों में मीठे फल लगे रहते हैं और फूल खिले रहते हैं। वे वृक्ष फलों के साथ साथ वस्त्र भूषण भी दिया करते हैं। कितने ही मनोहर वृक्ष तो वहां सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और सुगंधित मनोहर वायु टपकाते रहते हैं। दूध देने वाले भी वहां दूसरे वृक्ष हैं, जो देखने में मनोहर हैं और सदा अमृत तुल्य षड रस में दूध बहाया करते हैं। वहां की भूमि मनियों से युक्त है, जहाँ सोने की बालू बिखरी रहती है, कीचड़ का कहीं पता नहीं है, कहीं पर धूरी का पता नहीं है। धरातल छूने पर अत्यंत कोमल जान पड़ता है। देवलोक से च्युत होने पर भी वहाँ मानव जन्म ग्रहण करते हैं। वहाँ भी चिर युवक और शुद्ध परिवार वाले हैं। वहाँ की सुंदर नारियाँ जुड़वा संतान पैदा करती हैं, जो दूध वृक्ष के अमृत तुल्य दूध को पिया करते हैं। वहां वाले जुड़वा जन्मते हैं, साथ ही बढ़ते स्वभाव रूप में भी एक से होते हैं और साथ ही मरते भी हैं। वे रोग शोक से रहित होकर सदा सुखी जीवन जीते हैं और आपस में उसी प्रकार अनुरक्त रहते हैं जैसे चकवा चकवी। वहां वालों की प्राई स्त्री की चाह नहीं रहती है। वे महाबली 13,105 वर्ष तक जीवित रहते हैं। शैलराज जार्धी के उत्तर को उत्तर करु है, उनका वर्णन विस्तार से सुनिए। यह उत्तर करु सभी दिशाओं में प्रसिद्ध है। वहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे दो कुल पर्वत है, जो अनेक कंदराओं दरियाओं गुहाओं और झरनों से मंडित हैं। अनेक कुंज और वनों से युक्त विचित्र धातुओं से विभूषित वे अनेक प्रकार के विविध धातुओं से रंजित पुष्प मूल और फलों से युक्त और सिद्ध चरणों से शोभित हैं। उन दोनों पर्वतों के सैकड़ों शिखरों से वह दीप शोभित हो रहा है। इन दोनों पर्वतों के नाम चंद्रकांत और सूर्यकांत हैं, जिनके बीच से महानदी भद्र सीमा बहती है। और भी वहां हजारों नदियां हैं, जिनके जल को कुरु देशवासी स्नान पान आदि के कामों में लाते हैं। इन नदियों में निर्मल मीठा जल पर्याप्त मात्रा में भरा रहता है। वैसे भी हजारों महानदियां हैं, जिनमें दूध मधु मद्रा और घी बहा करता है। दही के सैकड़ों तालाब हैं, सुस्वादु अन्नों के पर्वत की तरह ढेर लगे हुए हैं। अमृत की तरह सुभात स्वाद वाले सुंदर फल तो भांति भांति के पड़े हैं। वहाँ गंध वरण और रसों से युक्त ऐसे ऐसे फल मूल हैं, जिनकी सुगंध 20 कोस दूर से जान पड़ने लगती है। भांति भांति के रंग बिरंगे हजारों फूल खिले रहते हैं, जो उपभोग के योग्य और महान कल्याणकारक हैं। गंध वरण और रसों से युक्त तथा सुख स्पर्श वहाँ तमाल अगरू तथा चंदनों के वन हैं, जहाँ भ्रमर प्रसन्न हो गाते रहते हैं। प्रफुल्लित वृक्ष गुलम और लताओं से युक्त कितने ही और सुखदायक वन हैं, जहाँ भोरे गुंजार करते रहते हैं और चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं।
ब्राह्मणों, वहां हजारों सरोवर हैं जहां असंख्य पद्म और उत्पल के वन सभी ऋतुओं में सुख देने वाले रमणीय विहार भूमि में खाने की वस्तुएं, माला, अंडेपन, शयन, आसन आदि उपभोग सामग्रियां प्रस्तुत रहती हैं। मनोहर मुख वाले चित्र विचित्र पक्षियों का तल्लव होता रहता है और विहार भूमि अनेक गुणों से युक्त है। वहां स्वर्ण और मणियों से परिष्कृत एवं सभी प्रकार से संपन्न उद्यान, शिलाग्रह, वृक्ष ग्रह और श्रेष्ठ कदली ग्रह हैं। सभी प्रकार के सुख देने वाले कितने ही लता ग्रह हैं। शंख की तरह उज्जवल कितने ही भूमि ग्रह भी हैं, जिसमें सोने और मणियों से चित्र बने हैं एवं सोने और मणियों की ही खिड़कियां हैं। वे भवन भी बड़े बड़े हैं। वहां बड़े बड़े हजारों वृक्ष विविध प्रकार के मूल्यवान और सुख पहुंचाने वाले महीन कपड़े हैं। मृदंग, वेणु, पणव, वीणा आदि बाजे बजते रहते हैं। वहां हजारों सैकड़ों कल्प वृक्ष जो इच्छा अनुसार फल देते हैं। सभी जगह उद्यान है, सभी जगह नगर है। संपूर्ण द्वीप आनंददायक है, जहाँ सुखी नर नारी निवास करते हैं। वहां वायु में विविध फूलों की सुगंधि रहती है, जिनके स्पर्श से शरीर में सुख और आनंद उत्पन्न हो जाता है। कलांति नाशक उस द्वीप में स्वर्ग से भ्रष्ट होकर मानव जन्मते हैं, क्योंकि वह द्वीप उत्तम गुणों के कारण भूमि का स्वर्ग कहलाता है। पूर्व तट में चंद्रकांत पर्वत के निकट रहने वाले नरपुंग श्याम वर्ण के और सूर्यकांत पर्वत के निकट रहने वाले श्याम अवदात वर्ण के होते हैं। वहां के उत्तम निवासी सदा सुखी रहते हैं। उस देश के श्रेष्ठ मनुष्य देवता की तरह पराक्रमी, तेजस्वी और इच्छा अधीन विहार करने वाले हैं। वले, अंगद, कयूर, हार, कुंडल, माला, चित्रकारी किए हुए मुकुट और रंग बिरंगी चादर पहनने वाले वहां के सदा युवक बने रहने वाले लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। वहां की प्रजा देखने में सुंदर और भली है। प्रजा को न प्रसव होता है, न उनको वंश क्षय होता है, क्योंकि वहां के वृक्ष नर नारियों के जोड़ों को उत्पन्न करते हैं। इसमें बाधा नहीं पड़ती है। सभी समान वैभव वाले, किसी को भी संपत्ति पर ममता नहीं है। वहां धर्म धर्मादि कुछ भी नहीं है। वहां ना रोग है, ना बुढ़ापा है, ना कुमति है, ना थकावट है। जीवन काल को पूर्ण करके वे पानी के बुलबुले की तरह समाप्त हो जाते हैं। वे अत्यंत सुखी हैं, उन्हें कोई भी दुख नहीं है। वे कभी अनुरक्त होकर धर्म नहीं करते हैं। दुख की अवस्था में ही धर्म किया जाता है। उत्तर गुरु के दक्षिण पार्श्व में चंद्रदीप है। यह 5000 योजन विस्तीर्ण और देवलोक से भी बढ़कर है। वहां यहाँ चंद्रमा का मंडल स्थिति है और समुद्र की तरंग मालाएं सदा लहराती हैं, जिसके तरह तरह के शब्दों से वह द्वीप मुखरित होता रहता है। इसका घेरा चारों ओर से 1000 योजनों का है। लंबाई ऊंचाई भी 100 योजनों की है। यहाँ भांति भांति के फल फूल लगे हुए हैं और यहाँ अपार वैभव है। उनके बीच में कुमद प्रभ नाम का एक पर्वत है, जहाँ सिद्धचार निवास करते हैं। वे पर्वत चंद्रमा के तुल्य प्रभा संपन्न, कमनीय, सुलक्षण और चंद्र तुल्य शेत वैदूर्य मणि तथा कुमद से चित्रित है। वहाँ अनेक विचित्र विचित्र उद्यान, विविध निर्जर कंदराएं हैं और वह पर्वत विविध विशाल शिखर, दरी और कुंजों से विभूषित है। उस पर्वत से चंद्रावरत नाम की एक उत्तम नदी प्रवाहित होती है। यह अत्यंत पवित्र है और इसका जल चंद्रमा की किरण की तरह निर्मल है। वह नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा का श्रेष्ठ स्थान है। वहां ग्रह नामक चंद्रमा सदा उतरा करते हैं। वहां चंद्रमा के नाम का एक विख्यात पर्वत है। वह महाद्वीप चंद्रदीप स्वर्गलोक और मृत्यु लोक में प्रकाशित प्रसिद्ध है। वहां की प्रजा चंद्रमा की भांति कांतिमान, पूर्ण चंद्र के समान मुख चंद्र वाली, चंद्रमा के समान विमल, चंद्र पूजक, अत्यंत धार्मिक, सौम्य, सत्य प्रतिज्ञ, तेजस्वी और सदाचारी रहकर 1000 वर्ष जीवित रहती है। पश्चिम दिग्वर्ती उस द्वीप के पश्चिम भद्राकर नाम का द्वीप है। यह समुद्र के 4000 योजन दूर है।
यह 10,000 योजना में फैला हुआ है। यह तरह तरह के गुणों से शोभित, धन धान्य से समृद्ध, अनेक राजाओं द्वारा पालित, सदा प्रसन्न, निर्मल और विशाल पर्वतों से युक्त है। वहां वायु देव का नाना रत्नों से मंडित एक सुंदर आसन है, जहां शीतधारी वायुदेव सदा पर्वों में पूजे जाते हैं। वहां के लोग तपाए हुए सोने की तरह रंग वाले होते हैं और उसी के भूषण पहनते हैं। वे देवता की तरह शोभित हैं, वे नाना रंग के कपड़े और माला पहनते हैं। वे वेदशाली, सत्य प्रतिज्ञ, आनंद संपन्न और वायु पूजक होकर 500 वर्ष तक जीते हैं। सूत जी बोले, परम तत्वज्ञ ऋषियों ने जैसा देखा है वैसा ही हमने देशों का स्वभाव सिद्ध वर्णन कर दिया। अब और आगे हम आप लोगों को क्या कहें। इस प्रकार धीमान सूत पुत्र द्वारा कहे जाने पर फिर कुछ सुनने की इच्छा से ऋषियों ने पूछा। ऋषिगण बोले, हे सत्तम, ये जो भारतवर्ष है, जहाँ प्रजा सृष्टि के व्यापार क्रम में संभव आदि 14 मनु उत्पन्न हुए हैं, हमें इसे जानने की इच्छा करते हैं। कहिए, पवित्र आत्मा ऋषियों की बात सुनकर प्राण पंडित कथावाचक लोमहर्षण जी स्थिर चित्त से फिर विस्तार के साथ ऋषियों से कहने लगे। ऋषि बोले, हे द्विजगण, कुरु वर्ष की स्वाभाविक स्थिति को हमने यथार्थ रूप से कह दिया। अब भारतवर्ष के संबंध में कहते हैं, सुनिए। पूरब से पश्चिम तक लंबायमान हिमालय पर्वत के दक्षिण पुण्य तीर्थ भारतवर्ष है। इस देश का जैसा विस्तार है उसे सुनिए। अब हम आम लोगों को भारतवर्ष की प्रजा का वर्णन करेंगे। यह मध्यम स्थान विचित्र है। शुभ शुभ फलों का यहाँ उदय होता है। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण जो देश है वह भारतवर्ष कहलाता है। यहाँ भारतीय प्रजा रहती है। प्रजाओं का भरण पोषण करने के कारण यहाँ के मनु भारत कहे गए हैं। भरत नाम की इस प्रकार निरुक्ति होने के कारण यह भारतवर्ष कहलाया। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, मध्य तथा अंत गति प्राप्त होती है। इस स्थान को छोड़कर मृत्यु लोक वासियों के लिए दूसरी जगह कहीं कर्म करने की व्यवस्था नहीं है। इस भारतवर्ष के भी 9 भेद कहे गए हैं। ये नवद्वीप समुद्र से घिरे हुए हैं, अतः परस्पर अगम्य है। इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रवर्णी, गविस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारण के अतिरिक्त 9वां यह भारतवर्ष सागर द्वारा घिरा हुआ है। यह द्वीप दक्षिण से उत्तर 1000 योजन का है। यह कुमारी से लेकर हिमालय तक त्रियक भाव से उत्तर और 9000 योजन विस्तीर्ण है। यह द्वीप इस प्रकार बसा हुआ है कि इसके अंत में मलेच्छ, पूर्व में किरात, पश्चिमांत में यवन रहते हैं और मध्य में विभक्त होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं। वे वर्ण चतुष्टय, यज्ञ, युद्ध एवं व्यापार आदि के द्वारा जीव का निर्वाह करते हैं। इन वर्ण चक्षुओं का अपने अपने कर्मों में परस्पर व्यवहार धर्म और काम के अनुरूप होता है। इसी देश में स्वर्ग और अपवर्ग के लिए संकल्प जन्य 5 आश्रम यथाविधि प्रतिपालित होते हैं और इन आश्रम में मनुष्यों की स्वभावता प्रवृत्ति है। जो ये नवद्वीप टेढ़ा और लंबा कहा गया है उसे जो संपूर्ण जीत लेता है वही वो यहाँ सम्राट कहलाता है। वह इस लोक में सम्राट, अंतरिक्ष में विराट और अन्य लोक में स्वराट कहलाता है। जो भी हम इसके आगे की बातें विस्तार पूर्वक कहते हैं। सुंदर पर्व अर्थात गांठ का स्तर वाले महेंद्र, मले, सत्य, शक्तिमान, दृक्ष, विंध्य और पर्याप्त वहां के 7 कुल पर्वत हैं। इनके समीप में भी अन्य हजारों पर्वत हैं। ये सभी सब गुणों से युक्त, बृहत, विचित्र, शिखर संपन्न, रमणीय हैं। पर्वत श्रेष्ठ मंदिर, हार, दुर्धर, कोलाहल, ससुरस, मेनाक, वैद्युत, पातंधम, पाडोर, गंतुप्रस्थ, कृष्णगिरी, शोधगिरी, पुष्पगिरी,
उज्जैन रेवतक श्री पर्वत कारू कूटशैल आदि अनेक परतों के अतिरिक्त छोटे छोटे भी कितने ही पहाड़ हैं। इन परतों के पाद देश में कितने ही देश हैं जहां आर्य और मलेच्छ निवास करते हैं। वे सब इन नदियों का पानी पिया करते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती शतरु चंद्रभागा जमुना सरसू सरयू इरावती वितस्ता विपाशा देविका कोहू गोमती धूतपाता बाहुता त्रिष्टवती कोशकी तृत्या गंडकी निश्चिरा इक्षु और लोहित। ये नदियां हिमालय के पाद देश से निकली हैं। वेद समृति वेदवृति वेदघरणी सिंधु वर्णाशा चंदना स्तीरा महती पराग चर्मनवती विदिशा देववती शिप्रा अवंती और नदियां आदि नदियां पर्यात्र पहाड़ से निकली हैं। महानदी शोन नर्मदा समहाद्रुमा मंदाकिनी दक्षारणा चित्रकूटा तमसा पिपला श्रोणी कर्तोया पिशाचिका नीलोत्पला विपाशा जम्बुला बालुवाहिनी सितिरजा शक्तिमती शक्रुणा और त्रिदिया क्रम से दृक्ष पर्वत से उत्पन्न हुई और इनका जल मणि के तुल्य है। तापी पियोषणी निर्वंध्या मद्रा निष्ठा विन्या वैतरणी शितबाहु कुमुद्वती तोया महागौरी दुर्गा अंतशिला विंध्य के पास पाद देश से उत्पन्न हुई हैं। ये नदियां पुण्य सलीला हैं। गोदावरी भीमरथी कृष्णा मेनी वंजुला तुंगभद्रा सुप्रयोगा और कावेरी नदी की नदियां दक्षिण देश की नदियां मानी जाती हैं और ये सह पर्वत के पाद मूल से बाहर आई हैं। कृतमाला ताम्रवर्णी पुष्प जाति और उत्पलावती मल्याचल से निकली है। इन नदियों का जल शीतल और शुभ कारक है। त्रिसामा ऋतुकुल्या इक्षुला त्रिदिवा लांगुलनी और वंशधरा महेंद्र पर्वत से निकली हैं। ऋषिका सुकुमारी मंदगा मंदवाहिनी कूपा पलाशनी शुक्तिमान पहाड़ से उत्पन्न हुई हैं। गंगा सरस्वती आदि सभी नदियां समुद्र में जाकर गिरी हैं। ये सभी नदियां पवित्र संसार के पाप को नष्ट करने वाली है। संसार के पाप संसार की माता स्वरूप है। हम नारियों की हजारों सैकड़ों उपनदियां हैं। इनमें कुछ कुरु पांचाल शाल्व जंगल शूरसेन भद्राकार भोद सतप तेश्वर वत्स किसश्न कुल्य कुंतल काशी कौशल तैलंग और मगध में बहती हैं। मध्यम देश के देश प्राय यही कहलाते हैं। सह पर्वत के उत्तरार्ध में यहाँ गोदावरी नदी बहती है। वह प्रदेश संपूर्ण पृथ्वी में मनोहर है। यहाँ इंद्र ने गोवर्धन नामक सर्पुर का निर्माण किया है। भरद्वाज मुनि ने रामचंद्र जी का प्रिय कामना से वहां वृक्ष औषधियों को उगाया है। वह वन रामचंद्र के अंतःपुर के उद्देश्य से बनाया गया है, अतः ये मनोहर बना है। उत्तर की ओर इतने देश हैं, वाहनिक वाटदान अभीर कालतोयक अप्रीत शुद्र पंकज चरमखंडिक यागंधर यवन सिंधु सवीर भत्रक शक हरद कुलंदी परित हारपुरी गमट रमट रद कंटक केशव सम्मानित दशमानिक। ये क्षत्रिय उपनिवेश हैं। वैश्य शूद्र कुलों से युक्त देश कंबोज दरद बर्बर प्रियलोकिक पीन तुषार पहुनव भ्रमतोदर आत्री भरद्वाज प्रस्थल कसेरुक
लंपाक, स्तन्य, पीड़िक, जहोड़, अपन, अलिमद्र, किरातवाती, तोमर, हंसमार, कश्मीर, तंगन, चूलक, आहुक और पूर्ण दर्श। पूर्व दिशा के देशों को सुनिए। आंध्रवाक, सुजरक, अंतगिरी, बहिगिरी, पर्वंग, बंगे, मारद, मानवर्ती, बहोत्तर, प्रविजय, भार्गव, गेम मर्थक, प्राग्ज्योतिष, मुंड, विधेय, ताम्रलिप्तक, माला, मगध और गोविंद। इसके बाद दक्षिण दिशा के देश और के निवासी ये हैं: पांड्य, केरल, चोल्य, कुल्य, सेतुक, मूषिक, कुमन, वांशिक, महाराष्ट्र, महिषक, किलिंग, अभीर, सैचरीशिक, अटव्य, वर, पुलंद, बंद, मूलक, चेतव, वैदुर्व, तंडक, पौनिक, मोनिक, अस्मक, भोगवर्धन, नैग्निक, कुंतल, अंध्र, उद्भिद और नलकलिका। इसने तो दक्षिण दिशा के देश हुए और जो अन्य देश हैं उन्हें भी सुनिए। सर्पाकार, कोलमन, दुर्ग, कालीतक, पुले, सुराल, रूपस, तापस, सुरसित, परशर और नासिक के प्रभृति एवं इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी के तीरवर्ती अन्य देश अनुकच्छ, समाही, सहस, शाश्वत, कच्छीय, सुराष्ट्र, अनार्त, अर्बुद और संप्रीत। अब विंध्य चलस्थ देशों का नाम सुनिए: मालव, करुष, रोकल, उत्कल, उत्मान, दशार्ण, भोज, किंकंदक, तोसल, कोयल, त्रैपुर, वैदिक त्रैपुर, तुमुर, तुम्बुर, षट्सुर, निषद, अनूप, तुड़ीकेर, वितिहोत्र और अवंती। इतने ये देश विंध्याचल के पृष्ठ देश में अवस्थित हैं। इसके आगे अब हम पहाड़ी क्षेत्रों को बताते हैं: निर्गरहर, हंसमार, शुपन, त्वंग, खस, कुशपरवारन, हून, दर्व, सहूदक, त्रिगर्त, मालव, किरात और तामस। विद्वानों ने भारतवर्ष में कृत, त्रेता, द्वापर और कली नामक चार युग बताए हैं। इनका पूरा परिचय तथा स्वभाव आदि का वर्णन बाद में किया जाएगा। ऐसा आप लोग समझ लीजिए। वायु पुराण के 46वें अध्याय में भुवन विन्यास में सूत जी बोले, ऋषियों ने इस प्रकार उत्तर सुनकर अनंत से युक्त होकर कुछ और सुनने की इच्छा से लोमहर्ष से पूछा। ऋषिगण बोले, जिस प्रकार आपने भारतवर्ष में बताया है उसी प्रकार किम पुरुष वर्ष और हरि वर्ष के संबंध में भी कहिए। तो ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उनके निर्दिष्ट प्रश्नों का पुराण सम्मत यथा तथ्य उत्तर देने के लिए सूत जी बोले। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, आप लोग जो सुनना चाहते हैं उसे नंदपूर्वक सुनिए। किम पुरुष वर्ष में नंदन कानन के समान एक महान पलक्ष खंड है। वहां लोगों की आयु 10,000 वर्षों की है। कृष्यों का रंग सोने का सा होता है और स्त्रियां अप्सरा के समान होती हैं। वहां तपाए हुए सोने की तरह रंग वाले मानव रोग शोक से रहित और शुद्ध हृदय होते हैं। उस पितृ किम पुरुष वर्ष में मधु बहाने वाला एक पलक्ष का वृक्ष है। वहां के निवासी उसके उत्तम रस को पिया करते हैं। अब किम पुरुष के बाद हरि वर्ष का वर्णन करते हैं। वहां के लोगों का रंग चांदी के समान होता है। वहां वाले सभी देवलोक में से परिभ्रष्ट हुए हैं, अतः सभी देव स्वरूप हैं। वहां के सब लोग एक का मधुर रस पिया करते हैं। हरि वर्ष में लोग प्रसन्नता पूर्वक आनंदित हृदय से 11,000 वर्षों तक जिया करते हैं। वहां किसी को भी बुढ़ापा नहीं सताता और ना वहां के लोग बड़े ही होते हैं। हमने जो मध्यम इलावृत वर्ष का नाम कहा है
वहाँ सूर्य की किरणें न तो कभी तीक्ष्ण होती हैं और न वहाँ कोई बूढ़ा होता है। इलाव्रत में चंद्र, सूर्य और नक्षत्र का प्रकाश नहीं होता है। वहाँ के लोग पद्म कांति, पद्म वरण, पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले और पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले तथा पद्म पत्र की तरह सुगंध धारण करने वाले होते हैं। वहाँ के सभी मनुष्य देवलोक से परिभ्रष्ट हुए हैं, अतः अजर अमर हैं। जो जामुन के फल को खाकर सदा प्रसन्न रहते हैं, शरण रहित और आत्मसंयमी मनस्वी भोगों के उपभोग करने वाले और सुंदर कर्म फल का भोग करने वाले हैं, वे नरोत्तम गण 13,000 वर्षों के आयु प्रमाण से उस इलाव्रत वर्ष में जीवन धारण करते हैं। जो मेरु की प्रति दिशा में 9,000 योजन विस्तृत है, इसका विस्तार 26,000 योजनों का है। वह चारों ओर से चकोर है और शराब की तरह स्थित है। मेरु के पश्चिम भाग में 9,000 योजन पर गंधमाधन पर्वत है, जो 34,000 योजनों का है। उत्तर और दक्षिण की ओर वह नील और निषद पर्वत तक फैला हुआ है एवं पृथ्वी तल से 40,000 योजन ऊपर बढ़ा हुआ है। वह 1,000 योजन पृथ्वी के भीतर दशा है और उतने ही योजनों में अधिष्ठित है। इसके पूर्व माल्यवान पर्वत है, जिसका परिमाण कहा जा चुका है। नील के दक्षिण, निषद के उत्तर और पूर्वोक्त पर्वतों के बीच विशालकाय महामेरु स्थित है। वह ऐसा जान पड़ता है मानो सब पर्वत उसमें डूबे हुए हों। उसका विस्तार प्रमाण नियुक्त योजन का है। समुद्र वृत्ताकार है और पृथ्वी मंडलस्थ सुमेरु उससे कुछ छोटा है, इसलिए कि चौकार का विस्तार जबकि वह वृत्ताकार के रूप में परिणित किया जाता है कुछ कम ही हो जाता है, तब उसका मध्य भाग भी न्यून पड़ जाता है। मेरु के दक्षिण और निषद के उत्तर अंजन की तरह जम्बू रसवती नदी है। वहाँ सुदर्शन नाम का एक पुराना जामुन का वृक्ष है, जिसमें फल फूल सदा लगे रहते हैं और सिद्ध चरण उसकी सेवा किया करते हैं। उसी के नाम के अनुसार जम्बू द्वीप में एक विशाल वनस्पति है। वह महावृक्ष 100,000 योजन का है। उसका शिखर स्पर्श स्वर्ग को स्पर्श करता है। तत्वदर्शी ऋषिगण कहते हैं कि इस वृक्ष के प्रत्येक फल का प्रमाण 808 अरंती है। ये फल पृथ्वी तल पर गिरकर महान शब्द उत्पन्न करते हैं और उनका रस नदी बनकर बह निकलता है। ये नदी मेरु की प्रदक्षिणा करके फिर उसी वृक्ष के मूल देश में प्रवेश कर जाती है। वहाँ वाले प्रसन्न होकर जामुन के फल और रस को पिया करते हैं। उस रस को पीने के कारण वे कभी वृद्ध नहीं होते हैं। यही क्यों रोग, क्रोध और मृत्यु भी उन्हें नहीं प्राप्त होती है। देवों के भूषण योग्य जाम्बुनद नाम का स्वर्ण है, जो इंद्रगोप कीट की तरह चमकीला होता है। उन सभी वृक्षों के शुभ फल रस शुक्र में शरित होकर देव भूषणोचित स्वर्ण बन जाता है। उसका मूत्र पुरीष भी विभाग क्रम से सभी दिशाओं में बिखर जाता है। ईश्वर की कृपा से भूमि उस मृतका को ग्रस लेती है। रक्ष, पिशाच और यक्षगण हिमाचल पर, गंधर्व और अप्सराएं हेमकूट पर एवं शेष वास की रक्षक प्रभृति समस्त नाग निष्ठाचल पर स्थित हैं। 33 याज्ञिक सुरगण महामेरु के ऊपर भ्रमण करते हैं। वे डोरिय में नीलाचल पर सिद्ध ब्रह्म ऋषि और सिद्ध लोग रहते हैं। दैत्य और दानों के लिए श्वेत पर्वत नियत किया गया है। श्रेष्ठ श्रृंगवान पर्वत पितरों का ब्रह्म स्थान है। विभाग क्रम से अवतरित अवस्थित इन नौ देशों में गतिशील भूतगण नित्य निवास करते हैं। इन भूतों की वृद्धि देव मानुष के रूप में अधिकतर देखी जाती है। विशेष अनुसंधान करने पर भी इनकी गणना नहीं की जा सकती। अध्याय 47 में भुवन विन्यास में सूत जी बोले, हिमालय के वाम पार्श्व में कैलाश नामक पर्वत है। वहाँ श्रीमान कुबेर राक्षों के साथ निवास करते हैं। अलका अधिपति वहाँ अप्सराओं के साथ आमोद किया करते हैं। कैलाश पर्वत के पाद देश से शरतकालीन मेघ के समान पित्र सुखद शीतल कुंडों से युक्त मंद नामक जल उत्पन्न होता है। उससे दिव्य और शुभावे मंदाकिनी नाम की नदी उत्पन्न होती है। उसी के किनारे
नंदन नाम का एक दिव्य महावन है। कैलाश के पूर्व उत्तर और दिव्य सत्य और औषधियों से युक्त देवोचित धातुओं से मंडित और चित्रित सन पर्वत के पास शुद्ध रत्न के तुल्य चंद्रप्रभ नाम का एक पर्वत है। उसी के मूल देश में अच्छोद नाम का सरोवर है, जिस सरोवर से अच्छोदा नाम की नदी निकली है। इस अच्छोद के तीर पर एक चित्ररथ नाम का महादिव्य वन है। उस चंद्रप्रभ पर्वत पर यक्ष सेनापति मणिभद्र अपने अंचरों के साथ निवास करते हैं। वहां क्रूर प्रकृति गुहक भी उनके परिवार के भांति रहते हैं। पवित्र मंदाकिनी और अच्छोदा नाम की नदी मही मंडल के बीच से बहती हुई महासमुद्र में प्रविष्ट हुई है। कैलाश के दक्षिण पश्चिम शिव भक्त जीवों और औषधियों से युक्त मन शिला मंडित एवं विशाल और दिव्य जो विशंग पर्वत है, उसके आसपास स्वर्ण श्रृंग से युक्त रक्तवर्ण का सूर्यप्रभ नामक एक महान पर्वत है। उसी के मूल देश में लोहित नामक महादिव्य सरोवर है। इसी सरोवर से लोहित नामक एक पुण्यशील महानद प्रवाहित हुआ है। उसी के तट पर विशोक नामक एक महावन है, जो देवों का लीला वन है। उसी पर्वत पर जितेंद्रिय मणिवर नामक कोई यक्ष निवास करता है, जो शांत धार्मिक गुहों से पारिवारिक सद्भाव रखता है। कैलाश के दक्षिण भाग में क्रूर जीव और औषधों से युक्त एम तीन शिखर वाले वृतासुर की थे से उत्पन्न अंजनाचल के समीप सर्व धातु संपन्न वैद्युत नामक एक महान पर्वत है, जिनके मूल देश में सिद्ध सेवित और पितृ मानस नाम का सरोवर है। इससे लोकपावनी पितृ सरयू प्रवाहित होती है, जिसके तीर पर वैभ्राज नाम का एक दिव्य वन है। वहाँ एक अत्यंत प्राकर्मी ब्रह्मपात नामक राक्षस निवास करता है। वह कुबेर का अंचर और परहिता का पुत्र है। वह स्वयं इंद्रियजित और अंतरिक्षगामी सैकड़ों भयानक निशाचरों से घिरा रहता है। कैलाश के पश्चिम प्रांत में मुख्य मुख्य जीवों और औषधियों से युक्त एवं स्वर्ण में अर्ण नामक श्रेष्ठ पर्वत है, जिसके पास स्वर्ण में विशुभ्र शिलाओं में आच्छन्न मेघतुल्य शिवप्रिय श्रीमान पर्वत अवस्थित हैं। शतशंख हेम श्रृंगों से युक्त वह स्वयं को छू रहा है। शिव से युक्त यह दुर्गम विशाल पर्वत देव भोग्य और हिम में है। इस पर्वत पर गिरीश धूम्रलोहित निवास करते हैं। उस पर्वत के मूल देश में शैलोद नामक सरोवर उत्पन्न हुआ, जिससे दिव्य शैलोदा नाम की एक नदी निकलती है। यह चक्षु और सीता नाम की नदियों के मध्य से लवण सागर में प्रविष्ट हुई है। उसके तीर पर दिव्य और प्रसिद्ध सुरभि नामक वन है। कैलाश के उत्तर मंगल में प्राणी और औषधियों से युक्त गौर नामक एक पर्वत है। हरिताल में इस पर्वत के शिखर स्वर्ण में है। वह एक महान स्वर्गीय मणिमय पर्वत है। उसके पाद देश में एक रमणीय स्वर्ण बालका में बिंदु सरोवर है, जहां राजा भागीरथ गए हुए थे। उस राजऋषि ने गंगा के लिए वहां बहुत दिनों तक इसलिए निवास किया था कि गंगा जल से पवित्र होकर उनके पूर्वज सर्वगमन करें। गंगा देवी वहां पहले से ही प्रतिष्ठित थी। यह सोमपाद से उत्पन्न होकर सात भागों में विभक्त हुई है। वहां मणि में यज्ञ योग पर सोने की चीतियां हैं। वहां इंद्र ने सब देवों के साथ मिलकर यज्ञ कर स्वर्ग प्राप्त किया था। अंतरिक्ष में नक्षत्र मंडल के बीच में रात में जो चमकीला छाया पथ दीख पड़ता है, वह त्रिपथगा ही है। वही त्रिपथगा जब अंतरिक्ष और स्वर्ग को प्लावित करती हुई पृथ्वी पर आई, तब वह पहले महादेव के ही सिर पर गिरी और महादेव ने उसे योग माया से वहीं रोक रखा। क्रोध से तमतमाई गंगा की कुछ बूंदें उछलकर पृथ्वी पर गिरी, उन्हीं से बिंदु सर बन गया। गंगा मन में कह रही थी कि मैं अपने प्रवाह वेग में शंकर को बहाती हुई सब कुछ तोड़ती फोड़ती पाताल चली जाऊंगी। महादेव गंगा देवी के क्रूर कर्म और अभिप्राय को समझकर वेग से पृथ्वी पर गिरने वाली गंगा को सिर पर रोक रखा। उस नदी के
गर्व को समझकर महादेव क्रुद्ध हो गए और अपने सिर में छिपा लेना चाहा। इस बीच महादेव ने राजा भगीरथ को सामने खड़ा देखा, जिनकी धमनी शीघ्र ही क्षीण हो चली थी और भूख से इंद्रियां विकल हो रही थी। गंगा के निमित्त राजा ने पहले ही महादेव को प्रसन्न कर लिया था, अतः उनके वरदान का ध्यान कर महादेव ने क्रोध को शांत किया। इसी बीच ब्रह्मा ने भी महादेव को प्रतिज्ञा पालन के लिए स्मरण कराया। तब उन्होंने अपने तेज से निरुद्ध गंगा नदी को छोड़ दिया, क्योंकि कठोर तपस्या के द्वारा वे संतुष्ट होकर भगीरथ की भलाई करने के लिए कृत संकल्प थे। छूटने पर गंगा 7 धाराओं में बही। उसमें 3 धाराएं पूर्व की ओर और 3 पश्चिम की ओर चली। इस प्रकार गंगा का स्तोत्र 7 भागों में विभक्त हुआ। नलनी, हराद्री और पामनी नामक 3 धाराएं पूर्व की तरफ गई एवं सीता, चक्षु और सिंधु नामक 3 धाराएं पश्चिम को। 7वीं धारा भगीरथ के पीछे दक्षिण तक चली, इसलिए उस धारा का नाम भगीरथी हुआ और वह लवण सागर में प्रविष्ट हुई। ये 7 धाराएं हिमवर्ष को प्लावित करती हैं। ये सभी वहां जाती हैं जहां मेघ बरसता रहता है, जैसे सिरिंद्र, कुंतल, चीन, बर्बर, यवस, ध्रुव, रुशान, कुनिंद और श्रेष्ठ अडगोल लोक। सिंधु मरु को भी 2 टुकड़ों में विभक्त करके सीता नदी पश्चिम समुद्र में गिरी। चीन मरु, तंगण, सरमुलिक, सांद्र, तुषार, तंपाक, पहव, दरद और शक्र नामक जनपद को प्लावित करके चक्षु समुद्र में गिरी है। दरद, कश्मीर, गंधार, वरुप, हरद, सिरमौर, इंद्रहास, वदती, विसर्ज, सेंधव, रंध्रकरक, भ्रमर, आभीर, रोहक, शूनामुख, ओर्ध व मनु, सिद्ध चार से विदेश, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, विद्याधर, उरग आदि के निवास देश, कलापग्राम, पारद, सीमन, खस, किरात, पुलिंद, कुरु, भारत, पंचाल, काशी, मत्स्य, मगत, अंग, ब्रह्मोत्तर, वंग और ताक्रिप्ल आदि शुभ आर्य देशों को प्लावित करती है। फिर वह विंध्य पर्वत से टकराकर दक्षिण सागर में प्रवेश करती है। वहां से वह पवित्र आनंदनी धारा पूर्व की ओर बहती है। कितने ही देश और निष्ठों, धीवरों, ऋषिकों, नीलमुखों, केरलों, उष्ट्रकणों, किरातों, कलोद्रों, विवर्णों और सर्वभूषित कुमारी को प्लावित करती हुई वह समुद्र मंडल में पूर्व की ओर विलीन हो गई। पवित्र धारा भी पूर्व दिशा की बह रही है। वह अपथ को, इंद्रधम सरोवर को, खरापथ को, इंद्र शंकुपथ को और कुथ परवारण भृति स्थानों को प्लावित करती हुई इंद्रदीप समुद्र के निकट लवण सागर में प्रविष्ट हुई है। नलनी भी पूर्व की ओर वेग से बहती है। वह भी तोमर, हंसमार, होहू और अन्य पूर्वी देशों को प्लावित हुई, अनेकानेक पर्वतों को फोड़ती हुई करम परवारण अश्वमुख, सिक्ता पर्वत, मरु प्रभृति स्थानों में यमन करती हुई गमन करती हुई विद्याधर के देश में उपस्थित हुई है। यह नेमी मंडल कोस्ट के पास महासागर में प्रविष्ट हुई है। इन नदियों की सैकड़ों हजारों उपनदियां हैं। वे इनसे ही निकलकर फिर इनमें ही इस प्रकार मिलती हैं, जिस प्रकार मेघ समुद्र से जल लेकर बरसता है और वह जल फिर समुद्र में ही मिल जाता है। वस वोक्सा के तीर पर प्रसिद्ध सुरभि वन में हरिश्रृंग के ऊपर विद्वान वसी को बेरक रखते हैं। वहां जितेंद्रिय यज्ञोपेत, अमितोजा, सुमहान और स्विक्रम नामक कुबेर के 4 अनुचर निवास करते हैं। वे अगस्त वंशीय विद्वान
ब्रह्म राक्षसों द्वारा सेवित और कुबेर के ही समान हैं। पर्वतवासियों की समृद्धि इसी प्रकार प्रसिद्ध है। वे धर्म अर्थ और काम के संबंध में परस्पर द्विगुणित समृद्धि संपन्न हैं। हेमकूट के पीछे सायन नामक एक सरोवर है जिससे मनस्विनी ज्योतिषमती उत्पन्न हुई है। वे आगे पीछे दोनों ही भागों से पूर्व पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। पर्वत उत्तम निषद पर विष्णुपद नामक सरोवर है। इसमें गंधर्वी और नत्वली नामक नदियां निकली हैं। मेरु के पीछे चंद्रप्रभ नाम का एक मान हरद है। वहां पावनी जम्बू नदी बहती है जिसमें शुभा विसर्न होता है। नीलाचल पर शुभ्र पुंडरीक युक्त पियोद नाम का सरोवर है। उसी से पुंडरीक का पियोदा नाम की नदियां निकली हैं। श्वेत पर्वत से उत्तर मानस नामक पुण्य सरोवर उत्पन्न हुआ है। ज्योत्सना और मृगकांता नामक नदियां उससे निकली हैं। शिव द्वारा निर्मित रुद्रकांत नामक वहां एक और सरोवर है जो मधुरा से परिपूर्ण पदम तीन पक्षियों से युक्त कल्प वृक्षों से व्याप्त सुख संपन्न और पवित्र है। और भी पदम मीन पक्षियों से युक्त वहां कितने ही हृदय हैं। वे सब जय कहलाते हैं और मालूम पड़ते हैं जैसे 12 समुद्र हों। उनमें शांति और माधवी नामक दो नदियां निकली हैं। हिमपुरुष आदि देवों में वृष्टि नहीं होती है। वहां की श्रेष्ठ नदियां उद्भिज जल राशि को बहाया करती हैं। ये भाग्यशाली नदियां पूरब की तरफ लंबी होकर लवण सागर में गिरी हैं। ऋषभ दुंदवी महागिरी धूम्र चंद्रकंक तथा प्राण आदि शिलोच्चों के उत्तर कहते हुए वे नदियां उत्तरी सीमा तक आकर महासमुद्र में गिरी हैं। सोमक वरा और नारद नामक महोवर महीधर पश्चिम की ओर लंबायमान होते हुए लवण सागर में मिल गए हैं। बाक बलाहक और मैनाक पर्वत दक्षिण दिशा में लंबायमान होकर दक्षिण सागर में मिल गए हैं। दक्षिण दिशा में चंद्र और मैनाक पर्वत के बीच संवर्तक नामक एक अग्नि है जो समुद्र जल को पिया करती है। इस अग्नि का नामांतर समुद्र वडवामुख और श्रीमान और वह हैं। ये 12 पर्वत इस भय से कि कहीं इंद्र उनके पक्ष ना काट डाले लवण धदी में प्रविष्ट है। श्वेत चंद्र में ये जो काला शशांक देखा जाता है वह नवदा भिन्न भारतवर्ष का ही प्रतिबिंब है। इस देश में ही उचित चंद्र के मध्य वह देखा जाता है, दूसरी जगह नहीं। उत्तरोत्तर क्रम से इन देशवासियों के प्राणी आरोग्य आयु धर्म अर्थ और काम आदि सबों आदि गुणों में उत्तरोत्तर पूर्व पूर्व दिवस्य लोकों की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। नाना जातियों के प्राणी समूह उल्लेखित देशों में निवास करते हैं। इसी प्रकार ये पृथ्वी संपूर्ण विश्व को अपने वक्षस्थल पर लोक स्थिति के लिए धारण करती है।